सुरमा लगा के लटे उलझा के आंख जिया पे मलमल, तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं फंस गए जैसे दलदल, तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं फंस गए जैसे दलदल, गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, लेकर हाजिर हूं टीवी, वेब और आपके फेवरेट शोज जो आजकल वेब पर, इंटरनेट पर, कहीं पर भी है, उनका हर अपडेट। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैसे कलाकार जिन्हें आपने ढेर सारी फिल्मों में, वेब सीरीज में, टीवी सीरियल में देखा है। मेरे साथ है विकास, आपने अगर इनको थैंक पहचाना यू। हो। हाउ आर यू डूइंग विकास? हम गुड अमित, क्या कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। तो कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? बिल्कुल अच्छा चल रहा है अमित। मैंने अभी अभी आई थिंक घर पे वर्कआउट फिनिश किया है। वर्कआउट फिनिश करने के बाद हम इंटरव्यू कर रहे हैं। इट्स गुड टू स्टे हेल्दी। आई थिंक सब लॉकडाउन में जैम है, तो जी थोड़ा हेल्दी रहने के लिए। जी तो विकास, मैंने सुना है कि आप माइंड प्रॉम्प्ट वॉच के साथ जुड़ गए हैं एंड यू आर पार्ट ऑफ द जूरी। तो आजकल दौर जो है, फिल्में छोटी हो गई हैं लेकिन कहानियां बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, ये अवार्ड किस तरह का प्लेटफॉर्म देगा उन नए फिल्म मेकर्स को जिनके पास ढेर सारे सपने हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को जाने का? डू यू थिंक एक अच्छा मौका है उनके लिए? ये समित, ये आई थिंक नए नए टैलेंट जो लोग घर पे बैठे हैं, बिकॉज हम सब घर पे बैठे हैं, हम सबके पास एक टैलेंट है, हम सब ने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रखा है। एवरीबडी इज सो टैलेंटेड एंड सब घर घर पे बैठे, तो घर बैठ के एक अवार्ड जीतने का जो मौका है वो सबके हाथ में है। तो आई थिंक इट्स अ गुड अवार्ड, अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत ईजी है, आप सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपका चांस हो सकता है, बिकॉज बड़े बड़े सेलेब्स हैं जो जज हैं, और घर बैठे बैठे अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका है बिना बाहर जाए इस लॉकडाउन में। तो आई थिंक इट्स गुड अवार्ड। जी, तो हाउ डिड इट ऑल हैपन, कैसे आप इसका हिस्सा बने एंड हाउ डिड दिस होल थिंग? अमित शशांक ने मुझे कांटेक्ट किया, शशांक ने मुझे बताया, एंड लॉकडाउन तब नहीं था, तो आई मेट शशांक। शशांक ने बताया कि बड़ा यूनिक चीज है, एंड मैंने बोला शशांक अच्छा प्लान है, बट लॉकडाउन में कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला ये सब ऑनलाइन है, आपको सिर्फ डालना पड़ेगा और लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब भी लॉकडाउन हटेगा तो वो अवार्ड शो होगा, और अवार्ड शो के लिए फिर हम जज करेंगे और तब इजी हो जाएगा। एंड आई फाउंड दिस गाय रियली प्रॉमिसिंग, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने प्लान किया ये सब। नगमा और शशांक की जो टीम है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्लान किया, और फिर अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए, आप जुड़ गए इनके साथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बेहतरीन शुरुआत की जाए इसके साथ। तो आपने तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, डेविड धवन से लेकर आपने बहुत सारी, मैं इतनी सारी फिल्में आपके जहन में आ रही है मुझे जी अमित, तो जो जी हाँ, ये छोटे फिल्म मेकर्स होते हैं जिनके पास वो नहीं है, हाँ जी वो नहीं होता, तो बिल्कुल उनके पास भी वही टैलेंट है, उनके पास भी वही, बस हमारे को कमी है मौके की। तो बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ शॉर्ट फिल्म्स इन इंडिया? देखिए अमित, आजकल से पहले, आज से 2 साल पहले ऑनलाइन पोर्टल का जमाना नहीं था, जो भी रिलीज होता था वो सिनेमा में या पर्टिकुलर चैनल पे होता था। ये 2 साल के अंदर चीजें थोड़ी बदली है और सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे आ रहा है, और उसकी वजह से आई थिंक गांव गांव से, दूर दूर से हर एक इंसान अपनी चीज एक पोर्टल पे डाल के बड़ा ही इजी दिखा सकता है। क्योंकि पहले जब एक फिल्म बनती थी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स लगते थे, सिनेमा हॉल लगता था, लॉट ऑफ पीपल। एक्चुअली मैंने बहुत सी ऐसी फिल्म की है जो कि आज तक रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि उनको बैक सपोर्ट नहीं मिला है, उनको कहीं थिएटर में रिलीज नहीं मिला है, तो वो सब फिल्म डब्बे में पड़ी हुई है। तो आई थिंक ये एक अच्छा मौका है, ऑनलाइन जमाना आया है, वी हैव लॉट ऑफ एप्स जहाँ पे लोग पे डाल के और अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है इन द फ्यूचर। एवरीथिंग इज गोना बी ऑनलाइन पोर्टल, जो भी एप्स हैं सहारी आ जाएगी। माइंड प्रॉम्प्ट इज वन ऑफ प्रॉमिसिंग एप, तो आई थिंक सब कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है। विकास, एक और खास बात है कि आप भी हाँ उनमें से जी हैं जो बॉम्बे के नहीं होते हुए बाहर छोटे शहर से बिल्कुल आए और यहाँ पर अपने अपना नाम बिल्कुल कमाया। तो आज छोटे शहरों में बिल्कुल बहुत सारा टैलेंट है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, आप राजस्थान से हैं, तो अभी मैं कुछ दिनों बिल्कुल पहले ही एक फिल्म फेस्टिवल में गया था, तो वहां मैंने देखा राजस्थान में इतनी फिल्में बनती हैं, उदयपुर, जोधपुर। बिल्कुल तो आपके स्टेट की से बात करूँ कि हाल ही में मैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बना, तो मैं हैरान था वाह कि इतना टैलेंट है इन शहरों में बस। बिल्कुल तो आपको क्या लगता है, छोटे शहर में जो सो कॉल्ड बन गया है वहां पे कितना टैलेंट है? सर, आई थिंक छोटे शहर में बड़ा धमाका है हर जगह, और
बड़े जमा के छोटे से शहर में होते, बट उनको पहुंचने का मौका नहीं था, उनके पास रीच नहीं थी, उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था। तो छोटा जब शहर से कोई आता है ना, तो उसमें उम्मीदें, उसकी लालसा, उसकी जो आग होती है काम करने की, उसकी क्रिएटिविटी होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट सोच होती है। उनके पास आइडियाज डिफरेंट होते हैं, बिकॉज वो रियलिटी में रहते हैं। हम सब एक कॉन्क्रीट जंगल में रहते हैं, हमारी सबकी सोच है वो सेम है, बट जो छोटे शहर से आता है वो क्या क्या कर गुजर के आता है, उसकी सोच, उसकी खुद की कहानी, उसके आसपास की कहानी, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। तो उनकी जो सोच है, उनके जो खुद के आइडियाज है, उसमें बड़ा ही एक अपनापन होता है और एक डिफरेंट क्रिएटिविटी होती है। हम सबने सेम टाइप की पिक्चरें देखी है, हम सब एक ही जोन की पिक्चर देखते आ रहे हैं, बट ये जो मौका मिलेगा उसकी वजह से ये जो छोटे शहर के लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, उनको अगर अपना टैलेंट दिखाने को मिला तो आई थिंक उनकी स्टोरी बड़ी ही यूनिक होगी और देखने वाली होगी। कहते हैं हर एक के अंदर एक फिल्मकार छुपा होता है, मतलब राज कपूर आई थिंक वाज द फर्स्ट गाय जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन में कदम रखा। और आजकल तो बहुत सारे कलाकार यू नो कई काम करते हैं, हमारे वैसे डायरेक्टर्स हैं विशाल भारद्वाज जैसे, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, देन दे संजय बिल्कुल लीला भंसाली। तो यू नो आजकल मल्टी टैलेंटेड होने का जमाना है, लोग कई सारी अपनी कलाओं को एक्सप्लोर करते हैं। तो आपके बिल्कुल अंदर भी क्या कोई फिल्मकार छुपा है, कोई कहानियां हैं जो आप कहना चाहते हैं क्या हम देखेंगे फ्यूचर में? अमित, मैं एक्चुअली बहुत लिखता हूँ, मैं रोज लिखता हूँ। आई हैव डायरी फुल ऑफ आइडियाज, फुल ऑफ स्टोरीज। मैंने जो दो तीन वेब सीरीज लिखी है, आई थिंक हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है जिसके पास कहानियां होती है, बहुत सी कहानी सुनाने की होती है। बचपन में तो हम हमारे दोस्तों को बहुत सी कहानी सुना देते थे, बैठे बैठे कहीं बात करते हुए। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम कहानी सुनाने को नहीं मिलती, बिकॉज सबकी लाइफ बिजी हो जाती है। तो मैं भी बहुत लिखता हूँ, जब एक टाइम आएगा जब मैं अपनी कहानी प्रस्तुत कर पाऊंगा किसी को, तब मैं करूंगा। और मैंने बहुत सी वेब सीरीज लिखी है, धीरे धीरे टाइम के साथ मैं एक पोर्टल को अप्रोच करूंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे जमतारा आई है, जमतारा नेटफ्लिक्स पे आई है, ऐसे ही मैंने एक कहानी लिखी है हवाला। तो आई थिंक वो जब हम शूट करेंगे और कोई पोर्टल ले 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 लेगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने भी बहुत सा लिखा हुआ है, मेरे अंदर एक सिंगर है, मेरे अंदर एक एक्टर है, मेरे अंदर एक डांसर है, मेरे अंदर एक मिमिक्रियन है। तो सब मिलके एक अच्छा मसाला और अच्छी सब्जी बनती है, तो उसी का मिश्रण। बाकी अपने प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से आए हैं भी पिछले 1 साल में और कौन कौन से आने अमित वाले हैं? अमित अभी अभी मेरी कूली नंबर वन आई है दिसंबर में, 25th। देन आई साइंड द फिल्म विद विद्युत, और मैंने उसके बारे में न्यूज में बोल दिया, एंड इट डिडन्ट वर्क आउट आफ्टरवर्ड्स। सो उसके बाद मैं दो तीन पिक्चरें और कर रहा हूँ। इट्स अ बिग फिल्म, इट्स अ बिग फिल्म विद अ मेन ए लिस्टर स्टार इन बॉलीवुड। इट्स अ बिग प्रोडक्शन हाउस, बट मैं वापस नहीं चाहता हूँ बोल दूँ। तो द फिल्म इज कमिंग आउट इन दिसंबर, इट्स अ वेरी बिग फिल्म, इट्स अ सीक्वल ऑफ अ वेरी बिग फिल्म। ये मेरा जो नया लुक है वो उसी फिल्म के बारे में है। तो जब वो आएगी मैं ट्रेलर डालूंगा, और इस बार मैं थोड़ा बच रहा हूँ उस चीज को बोलने से। इट्स अ वेरी बिग रोल, इट्स अ वेरी बिग रोल विद अ बिग एक्टर, बिग प्रोड्यूसर। आई थिंक सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस। चलिए ऑल द बेस्ट। बस जाते जाते आपको देखते ही ना मेरे एक गाना तब से जहन में बज रहा है, आपकी पहली फिल्म का हाँ जी, हाँ गाना जी अमित, बिल्कुल शाली बिल्कुल शानदार का गुलाबो। तो अगर आपके मैं चाहता हूँ आप सिंगर भी हैं तो गाना हो गया आपकी पहली फिल्म का, इतना बढ़िया गाना है। वो बड़ा ही हार्ड गाना है, बिकॉज विशाल ददलानी इज वेरी हार्ड, बट आई थिंक हम ट्राई करते हैं। सुरमा लगा के लटे उलझा के आंख जिया पे मलमल, तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं फंस गए जैसे दलदल, तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं फंस गए जैसे दलदल, गुलाब ओ जरा इत्र गिरा दो। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बस सॉन्ग। जाते जाते इस क्या मेमोरी जुड़ी है, इतने बड़े स्टार्स थे, फिल्म भले ही हिट ना हुई हो लेकिन आपका रोल बहुत ही शानदार थैंक था, एक बहुत अच्छा लॉन्च यू था। तो सो मच, व्हाट थैंक यू। मेमोरीज यू हैव ऑफ शानदार? मेमोरीज, आई मेट सम अमेजिंग एक्टर्स, आलिया भट्ट हैं, शटाई कपूर हैं, पंकज जी हैं, पंकज जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत से दोस्त बनाए फॉर लाइफ टाइम। पंकज जी से बहुत कुछ कहानियां सुनने को मिली उनके टाइम की, हाउ ही मेट मैम शाहिद भाई से बहुत सुनने को मिला, एंड आलिया से बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो शाहिद भाई की सिस्टर है सना, उनसे बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो वो 3 महीने जो हम यूके में थे शानदार के टाइम पे, तो बड़ा ही कमाल का टाइम था, अनबिलीवेबल टाइम था। हम वहां पे ठंड में
शानदार की शूटिंग करते थे, और जैसा कि सब जानते हैं मैं उस फिल्म में एक भी कपड़ा नहीं पहनता, शर्ट नहीं पहनता, तो -5 में जी जो हम ठिठुर ठिठुर के शॉट दे रहे थे, तो उस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल सकता हमें। एंड इट वाज अ ह्यूज फिल्म, ये बहुत ही बड़ी फिल्म थी, 100 करोड़ बजट की फिल्म थी, सारे बड़े बड़े स्टार्स थे, कास्ट बहुत बड़ी थी फिल्म की। तो जब हमारा साथ जाना होता था, वहां पे साथ खाना होता था, साथ पार्टी करना होता था और साथ घूमना होता था, तो वो सारी मेमोरीज जो लंदन लीड्स में हमने की है वो बड़ी अनबिलीवेबल और अनफॉरगेटेबल है। जी, तो उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने शानदार शुरुआत की, आगे भी चीजें शानदार होती रहें। आई थिंक यू यस वेरी प्रॉमिसिंग एंड आई थिंक द बेस्ट ऑफ विकास इज येट टू कम। वी होप सो इट यस कम्स सून यस एंड ऑल द बेस्ट यस दिस एंड दिस ऑल द ईयर विल बेस्ट कम। ऑल थैंक यू द सो बेस्ट मच अमित, थैंक यू ऑल द सो बेस्ट फॉर मच, ऑल योर यू आर रियली वेंचर्स। काइंड, रियली काइंड, आई हैड सो मच अबाउट यू अमित, एंड इट्स रियली गुड टू बी अ पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। थैंक थैंक यू सो मच विकास, ऑल द बेस्ट यू एंड अमित, स्टे थैंक सेफ। यू, थैंक यू टू अमित, यू टू, थैंक्स, बाय अमित, बाय। बाय।